जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की लगातार हो रही हत्याओं पर जहां पूरे देश में गुस्सा है, वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर कई सवाल उठाए। उनका कहना है कि राजनीति का समय नहीं है, देश कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, कश्मीर उनका घर है। कश्मीरी पंडितों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस दागना गलत है। अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी तो बाकी लोग अपने घरों को कैसे लौटेंगे? मैं केंद्र से उनकी रक्षा करने का अनुरोध करता हूँ। कश्मीर में एक सरकारी मुलाजिम राहुल भट्ट जी की हत्या कर दी गई। कुछ आतंकवादी उनके ऑफिस में गए, उनका नाम पूछा और उन्हें गोली मार दी। ऐसा लगता है कि वो ये सोच के ही आए थे कि किसी कश्मीरी पंडित को ही निशाना बनाना है। हमारी सेना ने 24 घंटे के अंदर वहाँ दो आतंकवादियों को ढूंढ के उन्हें मार गिराया। पर आज पूरा देश इस बात से चिंतित है कि कश्मीर में आज भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित क्यों नहीं है। बहुत सारे कश्मीरी पंडित युवाओं को वहाँ एक स्पेशल पैकेज के तहत नौकरियों के लिए भेजा गया था। ये लोग वहाँ शांति के साथ रहना चाहते थे, वो उनका घर है, वो वहीं अपना घर बसाना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। इस हादसे के बाद वहाँ रहने वाले सभी कश्मीरी पंडित भयभीत हैं, डरे हुए हैं। इस हादसे पे नाराज़गी जताने के लिए जब वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें रोका गया, उन पे लाठियाँ बरसाई गई, टीयर गैस छोड़े गए और उन्हें उनकी ही कॉलोनी में ताला बंद कर दिया गया। क्यों? ये सही नहीं है। कश्मीरी पंडित सुरक्षा चाहते हैं, उनके परिवार, उनके लोग वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। और अगर कश्मीर में रह रहे पंडितों को वहाँ सुरक्षा नहीं मिलेगी तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे कश्मीरी पंडित वहाँ वापस आकर कैसे रहेंगे? किस भरोसे पे वो वापस अपने घर कश्मीर में आके रहने की सोचेंगे? मेरी सरकार से गुजारिश है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने के लिए जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़े वो करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।